दिल और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानी देखनी है तो रेड फाइल, और अगर रोमांटिक और सामाजिक कहानी देखनी हो तो रेड फाइल, और जानकारी वाली कहानी और हिस्टोरिकल कहानी देखनी हो तो रेड फाइल देखिए। आज पूरे इंडिया में धड़ल्ले के साथ मेरा ये एपिसोड पूरे इंडिया में धड़ल्ले के साथ चल रहा है। आइए हमारे साथ देखिए रेड फाइल। कहानी देखने में अच्छी नहीं लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। तो आइए हमारे साथ, हम चलते हैं अगली कहानी की ओर। और हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप हर एपिसोड की नई कहानी को मिस ना करें। तो आइए चलते हैं एपिसोड की तरफ। रेड फाइल इंटरटेनमेंट सबसे आगे प्रस्तुत है एसपी टीवी का अगला एपिसोड अनमोल कहानियाँ। क्योंकि कहानी सुनने में अच्छा लगता है, देखने में नहीं, तो चलते हैं कहानी की ओर। प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर शाहिद परदेसी, एक्स गार्ड मुगलसराय, एडिटर शेख अल्तमस। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। और आज की कहानी है मिलन। बेगूसराय बिहार का मिनी मॉस्को बोला जाता है। गांव था राजपुर, वहां का विख्यात गांव। इंडिया लेवल के पत्रकार सभी बिहार से ही आते हैं। राजपुर गांव में ही रहते थे सूरज सिंह मुखिया। सूरज सिंह मुखिया का पुत्र, सुंदर जवान पुत्र, और किरण यादव राम प्रकाश यादव सरपंच की पुत्री, दोनों बचपन से साथ रहते थे, पढ़ते थे। और अब वह बेगूसराय के टॉप कॉलेज सिटी कॉलेज में पढ़ते थे। जवानी आ गई तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। दोनों बीएससी के स्टूडेंट थे। कल दोनों साथ साथ अपने अपने स्कूटर से कॉलेज जाया करते थे। एक दिन कॉलेज इंटर करते समय कॉलेज के गेट पर कुछ मनचले लड़कों ने किरण से बदतमीजी की। बस क्या था, जब यह बात सूरज को मालूम हुई तो सूरज सिंह ने यह बात मालूम हुई और उसने तो तीनों चारों को तबीयत से धो डाला। तभी से कॉलेज के सभी स्टूडेंट में यह बात फैल गई, सूरज और किरण में प्रेम हो गया है। इस तरह की बात हवा की तरह फैलती है और यह बात सूरज और किरण के माता पिता तक पहुंच गई। दोनों परिवार बहुत चिंतित हो गए। सूरज के पिता ने सूरज को समझाया, वह सूरज अड़ गया। वह किरण से ही शादी करने के लिए तैयार था। वह उसके बिना एक पल भी जी नहीं सकता था। यह हाल किरण का भी था। वह भी सूरज के बिना किसी से शादी करना नहीं चाहती थी। दोनों की जाति अलग थे। दोनों के माता पिता चिंतित हो गए थे। एक दिन सूरज के पिता किरण के घर गए। किरण के पिता ने मुखिया जी का स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछा। मुखिया जी बोले, देखो राम प्रकाश यादव राजा, अब हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है। सूरज और किरण विवाह नामुमकिन है। ऐसा है यादव जी, आप किरण की शादी कहीं बढ़िया घर पर देख के कर दीजिए। मुखिया जी, पैसे की कमी है इसलिए अगले साल जरूर शादी कर देंगे। नहीं, तब तक तो बहुत मामला बिगड़ जाएगा। मैं पैसा देता हूँ, तुम किरण का विवाह कर दो, वरना हम दोनों परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। राम प्रकाश यादव बोले, आप ठीक कहते हैं बाबू साहब, मैं किरण के लिए लड़का कल ही से ढूंढना शुरू कर दूँगा। कुछ ही दिनों में राम प्रकाश यादव ने छपरा के सिसोली गांव में किरण की शादी तय कर दी और किरण कॉलेज का जाना बंद कर दिया। यह जानते ही दोनों व्याकुल हो उठे। तभी दोनों ने तय कर लिया कि हम जान दे देंगे पर अलग नहीं होंगे। सूरज किरण के ससुराल चला गया और किरण के मंगेतर से अपनी सारी बातें बताई और फोटो भी दिखाया। कहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो लड़का बोला, चाहे जो भी हो, हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं,
हमारी शादी बेगूसराय ही होगी। सूरज लौट आया, बात न बनी। बंटी देख दोनों प्रेमियों ने इस दुनिया को खैर बात कहने का सोच लिया। दुनिया के समझ में समक्ष एक मिसाल कायम करने के लिए तत्पर हो गए, ताकि दुनिया के देख ले कि उनका प्यार कितना ऊंचा है। कुछ ही दिनों में किरण की बारात आ गई। बाराती आ गए, केवल फेरा होने की देर थी। पंडित जी बोले, यजमान, शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, फेरा शुरू किया जाए। गठबंधन हो गया, फेरा शुरू होने ही वाला था, तभी सूरज सिंह दो नाली लेकर पहुंच गया। बोला, रुक जाओ, यह शादी नहीं होगी। किरण, मैं आ गया, चलो आज हम दोनों इस दुनिया को छोड़ दें। सूरज ने बंदूक निकाला और किरण पर चला दी। वह लहू लहान होकर गिर गई और दूसरा गोली अपने गले में लगाकर मार लिया, वो भी गिर गया। दोनों मर चुके थे। तभी मौसम बिगड़ गया, हर तरफ कोहराम मच गया, बिजली चमकने लगी, हवाएं चलने लगी। बिजली चमकी और सूरज और किरण शादीशुदा जोड़े में दोनों सबके सामने खड़े हो गए। गांव वाले यह देखकर भौंचक्का हो गए। अब हमें मिलने से कोई रोक नहीं सकता, हम लोग हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। मेरा प्यार अमर है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, कभी दो प्रेमी को अलग करने की कोशिश न कीजिएगा। हम लोग चलते हैं। और दोनों प्रेमी वातावरण में विलीन हो गए। अब होती है कहानी ख़त्म। यह महामिलन था। अब आज्ञा दे साहित्य प्रदेशी को। सलाम, नमस्ते, खुदा हाफिज़।